मंथली ब्रीफ फोरकास्ट रिपोर्ट पूरे नवंबर की, और ब्रीफ फोरकास्ट रिपोर्ट का मतलब है इस पूरे मंथ का कंक्लूजन क्या होगा। इस कंक्लूजन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है 1 नवंबर से 16 नवंबर, दूसरा पार्ट है 16 नवंबर से 30 नवंबर। दोनों पार्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो इस पूरे पार्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी करेंगे फिर पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ये कंक्लूजन है 1 मंथ का, 30 दिनों का, 720 घंटों का, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने तो बड़े फायदे। ये हॉरोस्कोप अवेलेबल होगा हमारी प्रकाश और सोल्जर ऐप के ऊपर। अगर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप या हमारी वेब ऐप को डाउनलोड करें और 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा, जो वीकली हॉरोस्कोप में भी होगा प्रीमियम ट्रायल और मंथली हॉरोस्कोप के अंदर भी होगा। उसके लिए आपको जाना होगा हमारे पेज prakashastrologer.com के ऊपर, और वहां पे वेबसाइट को एक्सेस करें। सजिटेरियस आपका लगन हो, सजिटेरियस आपका मून साइन हो, धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, मंथ नवंबर 2024 का कंक्लूजन क्या होगा, और जो पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। इस पूरे मंथ के दो पार्ट है। पहला पार्ट है 1 नवंबर से 16 नवंबर, दूसरा पार्ट है 16 नवंबर से 30 नवंबर। इस पूरे कंक्लूजन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, जल्दबाजी ना करें। 1 नवंबर से 16 नवंबर, फिर दूसरा पार्ट है 16 नवंबर से 30 नवंबर। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, सैजिटेरियस आपका मून साइन हो, सैजिटेरियस आपका राइजिंग साइन हो, आपका लगन हो। सबसे पहले मंथली चार्ट की बात करेंगे। आपके आपका जो लग्नेश है बृहस्पति छठे भाव में, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं, इसको आप ना मानते। कई जगहों पे बहुत नेगेटिव है, दिल तोड़ देता है, उदास कर देता है। राहु की पोजिशन चौथे भाव में, ये पॉजिटिव नहीं है, चिंताएं देती रहती है, लड़ाइयाँ झगड़े देती रहती है। शनि मूल त्रिकोण साइन में तीसरे भाव में, मोस्ट प्रोमिनेंट है। मंगल आपका अष्टम भाव में संचारी, ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखें, इसको उपाय पद्धति से हटा दें, बृहस्पति को छठे भाव से हटा दें, उपाय पद्धति का प्रयोग करके गेट रिड ऑफ करें, बहुत जरूरी है। मंगल अष्टम भाव में नहीं ठीक होता, नहीं होना चाहिए। सूर्य चंद्रमा 11वें भाव में बहुत प्रोमिनेंट है। केतु 10वें भाव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन जॉब तब्दील कर देता है, कामकाज में फ्लक्चुएशन पैदा कर देता है। शुक्र और बुध 12वें घर में है, ये पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, दोनों अच्छे नहीं मानूंगा, सॉरी। और मंथ की शुरुआत में, पूरा मंथ मंगल अष्टम भाव में, ये ठीक नहीं है। उपाय पद्धति का प्रयोग करके मंगल को हटा दें। अपने आप को बीमारी से बचा के रखें। वो बीमारी पेट को लेके हो सकती है, ब्लड को लेके हो सकती है, ब्लड प्रेशर को लेके हो सकती है, हेल्थ को लेके हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई ऑपरेशन ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए, कोई चोरी ठगी से आपका नुकसान ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। इस टाइम के अंदर पैसे का नुकसान भी हो सकता है, घरेलू जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा तूफान मच सकता है, घर में झगड़े हो सकते हैं, बहुत सीक्रेट टेंशन हो सकती है। पेट का ध्यान रखें, हर बात पे गुस्सा ना करें, आपका गुस्सा आपको ले डूबेगा। हर बात पे क्रोध ना करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, अपनी जुबान से दूसरों को तंग ना करें, उनका अपमान ना करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं, बहुत फोकस्ड हैं, डिटरमिन्ड हैं, फाइनेंशियल लॉसेस से बचें, जुआ ना खेलें, रिस्क इन्वेस्टमेंट ना जाए। सूर्य चंद्रमा 11वें भाव में, इस समय आपकी आमदन बनेगी, बहुत सारी अंडरटेकिंग मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, हार्मोनी आपको मिलेगी, नीरस डिस के साथ बना के रखे, धन संपदा मिलेगी। इस टाइम के अंदर हेल्थ का ध्यान रखे, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आपकी डीलिंग, बिजनेस डीलिंग में पैसा बनेगा, प्रोफेशनल डीलिंग में पैसा बनेगा। सूर्य चंद्रमा 11वें, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर या कंपनी को लीड कर रहे हैं, स्टेटस राइज होगी, पूरी टीम की सपोर्ट आपको मिलेगी, घर में सुख शांति भी होगी। इस टाइम के अंदर जुबान पे थोड़ी लगाम रखे, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखे, फिर काम ज़्यादा अच्छा होगा, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, सडन गेन हो सकता है, सडन लॉस भी हो सकता है, बहुत बड़े अवार्ड भी आपको मिलेंगे, लीड करेंगे आप प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को, कंपनी को, हाईएस्ट अथॉरिटी की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी, प्रॉफिट बनेगा, डिसीजन मेकर की सपोर्ट मिलेगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, रेगुलेशन में राइज होगी, आप गरीबी से आप अमीरी पे आ जाएंगे,
ये टाइम पीरियड ऐसे, इस टाइम के अंदर शुक्र और बुध आपके 12वें घर में, शत्रु बढ़ेगा, गुप्त शत्रु की घात लगेगी और लोग आपको तंग करेंगे, खर्च बढ़ जाएंगे, फिजिकली आप फ्लक्चुएट करेंगे, दिमागी परेशानी भी होगी, आई सेट का ध्यान रखें, फिजूल खर्चे ना करें, दिमागी परेशानी भी होगी, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी, हाईएस्ट अथॉरिटी से मारना पड़ जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पैसे का नुकसान होगा, चोरी ठगी से बच के रहें, फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, पैसे का नुकसान होगा, फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे होंगे, फॉरेनर लोगों के साथ कॉन्टैक्ट आपके होंगे, धन संपदा मिलेगी, बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे, लेकिन विचार करके चले। 16 नवंबर के बाद माजरा क्या है, 16 नवंबर के बाद होगा क्या, 16 नवंबर के बाद क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नवंबर के बाद, 16 नवंबर के बाद शुक्र आपके लग्न में आएगा, हर मन की इच्छा पूरी होगी, लग्जरी मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, खुशहाली होगी, स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, आमदनी में राइज, बहुत सारी कंपेनियनशिप होगी, शत्रुओं का दमन होगा। अगर आप सिंगल हैं बहुत इंजॉय करेंगे, अगर आप सिंगल हैं बल्ले बल्ले होगी, आशिकी करेंगे बहुत इंजॉय करेंगे। सूर्य बुध, बुध आदित्य योग यहां पे वैसा नहीं है जो बुध आदित्य योग जिसकी हम बात करें, नो गलत, बुध आदित्य योग है, ये 12वें घर में है, ये भंग योग है, ये भाग्य भंग योग है, ये भंग योग है, ये भाग्य भंग योग है, ये राजयोग नहीं है, वो 12वें घर में, बुध आदित्य योग बनेगा 12वें घर में, ये आपका भाग्य भंग योग है, ये भाग्य बनता बनता बिगाड़ देगा, शत्रु बढ़ेंगे और तंग करेंगे, हायर अथॉरिटी से मार पड़ेगी, गवर्नमेंट से मार पड़ेगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, फिजिकली परेशानी होगी, दिमागी परेशानी भी होगी, आई साइट का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, बहुत एक्साइटेड होंगे, बिटरनेस गुस्से में ना लेके आए, उससे फ़ायदा नहीं होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आएगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम के अंदर, बहुत बड़ी आपके चोरी ठगी फ्रॉड का आप शिकार हो सकते हैं और उसकी वजह से परेशानी हो सकती है, पैसा बहुत खर्च करेंगे, लॉस ऑफ पैसे से पैसे का नुकसान भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े में आपका नुकसान हो जाएगा, आप लड़ाई करके नहीं जीत सकते, फॉरेन जाने का मौका मिलेगा लेकिन पैसे का नुकसान होगा, हर काम में ऑब्स्टिकल आएंगे, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल आएंगे, पैसा आता आता रुक जाएगा, हायर अथॉरिटी से कोई मार पड़ेगी, जिसके पास लीगल पावर है, जिसके पास हुकूमत की पावर है, वो आपको तंग करेगा, वो आपको पनिश करेगा, वो टैक्स वाले हो सकते हैं, VAT वाले हो सकते हैं, जिसके पास जो गवर्नमेंट की एजेंसी है वो हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी, उसकी वजह से हार्डशिप बहुत होगी। प्रोमिनेंट डेट, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, टेस्ट एग्जाम है, प्रेजेंटेशन है, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 नवंबर, उनमें से चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ यू। आपका हमारे मंथली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी कंप्रहेंसिव मंथली और प्रीमियम मंथली हॉरोस्कोप, हाई क्वालिटी वीडियो होगी, साथ में रिटर्न रिपोर्ट भी होगी, अगर प्रीमियम हॉरोस्कोप आप चाहते हैं, क्योंकि प्रीमियम हॉरोस्कोप के अंदर बहुत सारा कंटेंट भी है, फॉर एग्जांपल उसके बारे में सन का ट्रांजिट के बारे में बात की गई है कि इस पूरे मंथ के अंदर लीगल मैटर किस तरह के हालात होंगे, हायर अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा, जिसके पास पावर अथॉरिटी है वो आपके साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे और आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, मर्करी आपकी फ्लो ऑफ इनकम, आपकी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दूसरे लोगों के साथ, आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका फ्लो ऑफ बिजनेस करियर एंड प्रोफेशन। वीनस का ट्रांजिट रिप्रेजेंट करता है आपकी लव लाइफ, आपके रोमांटिक सिचुएशंस, आपकी जिंदगी में लग्जरी लाइफस्टाइल कंफर्ट कैसी होगी, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें आपका सक्सेस रेट क्या होगा। मंगल मार्स का जो ट्रांजिट का, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, कितने बहादुरी के साथ आप हर चीज का सामना करेंगे, आपके एक्शन रिएक्शन एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन में कैसे होंगे, हालात बदल रहे हैं उसमें आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। हॉरोस्कोप के अंदर आपको मिलेगा क्या उपाय पद्धति होगी, क्या प्रिकॉशंस में क्या आपको नहीं करना, कौन सी मंत्र साधना आपको बूस्ट कर सकती है और पूरे इसके साथ साथ पूरे मंथ का कंक्लूजन क्या होगा। मैं आपको बहुत खुशी के साथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफर करता हूं, इसमें 13 हफ्तों का
आपको ट्रायल मिलेगा जो फ्री होगा, वो प्रीमियम उस पर मंथली हॉर्स को भी प्रीमियम होगा, जिसके लिए आपको या एंड्रॉयड ऐप या वेब ऐप पे जाना होगा। ट्रायल के बाद बहुत सारे आपको अट्रैक्टिव प्राइस्ड वीकली मिलेंगे, मंथली मिलेंगे, ईयरली हॉरोस्कोप के ऑप्शन मिलेंगे जो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से। फ्री ट्रायल के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी एंड्रॉयड ऐप या वेब ऐप, उसके साथ साथ हमारे लाइव शो का लिंक भी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको जाना होगा प्रकाश astrologer.com एंड विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।